Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने, कल आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, मैंने 4-5 दिन से ब्लॉग ही नहीं बनाए थे, तो मैंने बोला था आज से आप लोगों को फ्रेश ब्लॉग मिलेंगे। तो आज तारीख है, आज क्या तारीख है जरा याद दिलाएंगे। 11 तारीख है आज। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और घर पे आए हैं अम्मी और यूसुफ। तो कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब। हम औरंगाबाद की ट्रिप करके आ गए, छुट्टी खत्म। ये लोग कल ही आए हैं और उसमा भी आई है, जैसे कि मैंने आप लोगों से। चलो अब जरा पहली फुर्सत में निकलो, जरा नाचे की तबीयत कैसी है। और रियाज भी आया, देखो अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे रंग निकले। अच्छा, हम लोग के पास ना लोगों ने भेजे थे, हम लोग अभी है ना इसका मालिश हुआ है, अपने आजम का मालिश हुआ है, टाइगर का मालिश। कैसी तबीयत पानी, हाँ बस तबीयत पूरी रात इसका, आजम हमारा टाइगर, समझ गए आप लोग। तो टाइगर के लिए गिफ्ट आया है, मैं बताती हूँ आपको। मैं जब तक आजम से मिल लेता हूँ। सुबह सुबह आया है, मैं बोली ये गिफ्ट किसका आया है, ना कोई नाम ना कोई पता, बोले पे है पैसा, आपका गिफ्ट आया है। कुछ भी तो नाम है, हाँ बोले मुमताज आंटी का गिफ्ट आया है। देखा मैं बोली नाम पढ़ी, मुमताज आंटी का तो गिफ्ट है, लेकिन भेजा किसने। बाद में मैसेज आया रियाज के, ये आपके टाइगर का आंटी, ये आपके टाइगर के लिए भेजे। आजम भाई की मालिश हुई, एकदम टाइट है, 2-3 घंटा फुर्सत है उनको। वाह दिख रहा, क्या प्यारे प्यारे। मालिश के बाद भी दूध नहीं पीता, भूखा ही सो जाता, कितना भी कोशिश करो। हमारा भी, हमारा भी तबरेज भी दिख रहा, कलर देखने कितने प्यारे प्यारे, पन्नी में मालूम नहीं पड़ रहा कितने अच्छे लग रहे। माशाल्लाह। अरे मेरी हालत बहुत खराब थी रे, ये आंटी ने 2 दिन मालिश किया ना, तो थोड़ा पेट मेरा सेट हुआ है। देखना कितना अच्छा, कितना प्यारा भेजे। सही में रोमपर, मुझे ना सच्ची बोलूं, मुझे ना रोमपर बहुत पसंद है, चाहे ऐसा हो चाहे फुल हो, मुझे रोमपर सच्ची में बहुत पसंद है, बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। इसका इसका कलर लेना, देखना कितना प्यारा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये जो आया है ना, इसके कलर इतने अच्छे लग रहे हैं। और इसमें कैसा कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं होती है, जस्ट ये खोलो, डायपर खुल जाता है और बच्चे एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, ना चड्डी बिड्डी उतारने का झंझट। ये अच्छा है ना, माशाल्लाह। मैं उसमें को घुमाने लेके जाती थी ना, मैं रोमपर ही पहनाती थी। हट पीछे जरा, ये आप ले ले फोटो, एक कितना प्यारा दिख रहा है ना। 2 मिनट में फोटो लेती हूँ, सच्ची में जिन्होंने भी ये भेजे ना उनको मेरे तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, मुझे भी और हमारे आने वाली औलादों को भी इतना प्यार कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हम लोग अभी फोटो खींचेंगे। नहीं इसका मैसेज देख, कीप कम एंड गिव मी टू मॉम। वो तो बच्चे नहीं, तुम लोग शांति रखो, मेरे को अम्मी को दे दो। कितना प्यारा है, मैं तो चिल्लाऊंगा, तुम लोग मेरे साथ मत चिल्लाओ। ये ना अभी हम लोग औरंगाबाद से आए ना, तो उसके दूसरे दिन अभी आज सुबह, क्या नाम है इनके सब्सक्राइबर का, नाम बताए। ये प्रिया, प्रिया थैंक यू सो मच प्रिया जी, वो हमेशा मुझे साड़ी भेजते हैं, आप लोग को सबको पता है, साड़ी रेड साड़ी, हर साल दिवाली में साड़ी पहली फुर्सत में आती है उनकी तरफ से साड़ी। यूसुफ तूने सलाम नहीं किया बेटा। वालेकुम अस्सलाम। गांव में कैसा लगा? अच्छा। सच्ची? अरे आने को तैयार नहीं थे दोनों बच्चे गांव से। आया है तमिलनाडु से। तमिलनाडु? नहीं सच्ची में बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे। कपड़े कितने सॉफ्ट है वो देखना। अच्छा जो रॉम्पर अच्छे ही होते हैं बच्चे को, तो मैं फोटो खींच लेती हूँ। ये आया है हमारे ऑस्ट्रेलिया से ना, सिर्फ चेरी आंटी, चेरी आंटी बोले मालूम पड़ जाता है। तो भी कब आया मालूम, हम लोग औरंगाबाद से निकल रहे, बैक पैक करके जस्ट निकल रहे बाहर, और मेरे को अमेज़न का मिला ये डिलीवरी, तो मैं तेको भी नहीं दे पाया, बता भी नहीं पाया, घर में रखिए और निकल गए। हमने ऐसा पार्सल लिया घर में रखे, हमारी रिक्शा हमारी ओला, और ये डेफिनेट, और ये डेफिनेटली डायपर हो गए राइट। सबसे मेन चीज भेजते हो आंटी आप, बहुत मेन चीज पता है मेरे डायपर नहीं है। और क्या और है, डायपर का पैकेट भूल गया मैं घर पे, नहीं भेजी थी मैंने डायपर का, डायपर हाँ डायपर डायपर खोलते भेज दिया था देखो, हाँ 2 पैकेट आया था, रुक जाए इसको अपन खोलते हैं। आंटी ने ना डायपर, ये तो खोले नहीं हम लोग, डायपर बहुत मेन चीज होती है, कितना भी वो खत्म ही हो जाता है। ये क्या है, ये गद्दा बेड है क्या, बहुत अच्छा है रे, बच्चा मेरा बहुत कंफर्टेबल होके सोता है उसके ऊपर, है ना बहुत कंफर्टेबल। बच्चे हंसते ना वो हिलता, वो देखते ना, वो तो बच्चों को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा, बस इतना मालूम है इस पे सोता बहुत अच्छे से वो। मेरी खांसी से अलग परेशान रहता हूँ मैं, खांसती हूँ उसकी नींद खराब हो जाती है। रेसिपी बनाने का नहीं क्या, मजे ले रहे हाथ लगा के लेंगे।
तुम लोग वहाँ क्यों बैठे? पर तुम लोग यहाँ क्यों नहीं बैठे? उजाला वहाँ से आता ना तो अच्छा रहता, यहाँ बैठते थे ना फिर वही काला शेड वेड खराब हो जाता ना। पापा जी हेरी कुछ है नहीं, ये इसका करने का। अरे वाह, और कुछ है? अरे रे 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 माशाल्लाह। अरे ये वही है कैरी, बेबी कैरियर। अच्छा, जो मैं मैंने ऐसा लेके ऐसा ये चेन लगाना, चेन लगाना अच्छे से लगाना, चेन वाला, चेन वाला ऐसा वाला। अरे वैसे ही है सेम जो आपने तबरेज के लिए लाया, तबरेज को भेजी थी। चलो जल्दी आंटी ने तुझे भेज दिए, सेम वही है। अरे वाह, अरे हारी है ना, अभी मेरे को उसको उठाने में दिक्कत। इसमें इसमें भी बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं। नहीं, हम लोग ना कब्रिस को उसमें सुलाता है, गोद में रोता जाके आया। और रात को भी डाल देती हो, ऐसा पैक करती है और एसी चालू कर देती। मैं भी अभी यही करूंगी, बहुत परेशान किया सुबह 5 बजे तक, परेशान किया। मैं काम करते बैठा था अपना मोबाइल में, आके पीना के चली गई। वही करती हो, मेरे साथ भी ऐसी करती। पापा रुको ना, और कुछ है? और ये सही में बहुत अच्छी चीज है, सच्ची है। मेरा बच्चा अभी आज चैन से सोएगा सच्ची। उसको ना लगता उज्मा को चाहिए एसी और इसको नहीं चाहिए एसी। अच्छा हाँ, दोनों की फाइट पहले रात में ही हो गई है। अवरेज को चाहिए एसी और उज्मा। अम्मी औरंगाबाद जाके कैसे धड़पड़ सोने लगी अम्मी। अबे ऐसा एक टांग उधर, अरे पूरे बेड पे लौटी है वो, ऐसा नहीं सोती हो? सुबह उधर है, सुबह उठ रही इधर है। हाँ, बच्चे के मुंह पे लात उज्मा की। वाओ, डबल साइड बिस्तर है अम्मी, ऐसा ऐसा अम्मी ये है सीधा दोनों तरफ है पूरा इसके साथ वाला दो मिनट नो एक्शन। क्या लाए? चिक्सा लेके आया तुमने? कौन सा लेके? कपड़ों वाला, वाल वाला? सब लाई, सब लाई, सब लाई। मेरे ना ले अम्मी, कपड़ों वाला ज्यादा लाया करो अम्मी, जब भी औरंगाबाद जाएंगे तो। देखिए 3 लाई कपड़े वाला। हाँ, ये लाई मैंने तेरे इसका क्या होते बाल में, बाल धोती ना तू। हाँ, ये देख, मेरे को ना बहुत पसंद है कपड़ों वाला चिक्से पे। तुम्हें ये बाल वाला है? ये बाल वाला है, वो फेस वाला है? नहीं, वो फेस वाला नहीं है अम्मी। कपड़ों वाला कहा है पहले मेरे को बताओ। एक ही है कपड़ों वाला? ये देखिए कपड़े वाला है, तीनों कपड़े। अच्छा हाँ, तीनों कपड़े वाला है। देख शुरू, ये बन, ये फेस वाला है मेरे ख्याल से। नहीं, चिक्सा है ये, शादी की दुल्हन को नहीं। हाँ, ये, हाँ, अरे वो इतना नेचुरल वे टू केयर फेस एंड ये बाल वाला फेस को लगाती है चिक्सा। ये बाल धोने इसकी खुशबू है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, सही में अच्छा। मैंने स्पेशल लाई। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। मेरी अम्मी जब भी औरंगाबाद जाते हैं ना, उनको पता है मेरे को ना चिक्से बहुत पसंद। मैं औरंगाबाद से बोलती गोट मत लेके आओ, मेरे को कड़े नहीं चाहिए, मेरे को चिक्से चाहिए। अच्छा, एक पर्स सेम इसमें का मेरे पास है जो मेरे को शेरू लाके दिया। अच्छा, तो मुझे इतना कंफर्टेबल लगता ना, ना जो ये ऐसा डाल लिए, बच्चा उठाओ करो या कुछ थैली पकड़ो या करो, तो वो पैकेट से जो हाथ जाम होता ना, वो नहीं पक्का ना गिरेगा देना। 6000 नहीं गिरता बिल्कुल, नहीं गिरता। मैं तो मैंने ना अजमाई पूरा बजा लेके ही मैं ये ऐसा हाथ में रख के, और इसमें मोबाइल वोबाइल सब आ जाता है। अच्छा, तो इसके लिए मैं बोली चल के बच्चा अच्छा गोद में उठा के जब खाली हाथ निकल गया, मोबाइल इधर रखू के इधर रखू, तो ये इसमें मोबाइल भी आ जाता है। बहुत अच्छा आंटी, ये जो आपने भेजा ना गिफ्ट, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। खास करके मुझको ना सबसे ज़्यादा पसंद ये आया है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी जो वैल्यू है ना, मेरे को मालूम है ये क्या है। और सही बोलो अम्मी, अब ऐसा लग रहा है मैंने बड़ा घर लेके बहुत अच्छा काम की। मेरा बच्चा लिड़ के सोएगा, जहाँ मर्जी वहाँ सोएगा। पसंद आएंगे, देखो कलर एकदम शॉबर कलर। तुमने फिर भी गोट लेके आए, तू नहीं पहनती ना बड़े नग वाले, इसके लिए मैंने ये बारी अच्छा किया। अच्छा किया, मैं तुम्हारे लाए हुए शादियों में तो पहन रही हूँ। मैं जो मीशो से मंगाती मैं ऐसी घर में पहन लेती हूँ कभी कभी। इसमें बारीक नग है, देख मैं बताती हूँ। ये नग है ना 4, ये बारीक, इसको भी तू निकाल के कोई दूसरी चूड़ी में मैच करके पहन सकती। ये पतली चूड़ी को हटा के इसमें कोई और रंग की चूड़ी मैच करके पहन सकती। ये जो 2 कड़े है इसके मालिश के बाद भी सोने नहीं दे रहा, देखो ये लड़का है उसको। आ जाओ, आज हम कर रहा है। ये जो है ना, ये 2 कड़े डाल के भी तू पहन सकती है भीष्म बंगड़ी। और ये जो 6 गोट के सेट अलग है ये, लेकिन मैंने पूरा एक बना के लिए ताकि तू एक भी पहन सकती, अलग अलग भी करके पहन सकती। बहुत अच्छा लगा, बहुत कलर भी बहुत अच्छा है। मैं किसी भी ड्रेस के साथ इसको वेयर कर सकती हूँ, किसी भी। क्रीम कलर का है। मैं इसका फोटो किस लिए ग्रुप में लाइक तेरे लिए, नग वाला कहीं शादी में जाए तो क्लच के जाए। हाँ, समझ गए। इसको पकड़ो और ये टूटता नहीं है बेटा।
मस्त है, हमें बहुत अच्छा। गिरेगा पड़ेगा तो देखा नहीं तेरे को लगाने में या ना। देखो ये कल आए हैं गांव से और आज आ गए मुझे मिलने के लिए। अरे बहुत काम पड़ा है घर में। मैं देखी कल कैसा पसारा निकाले थे तुम लोग। अरे वो पैकिंग खोल रहे ना, हम लोग कितनी बड़ी बड़ी पेटी लेके गए थे और फिर उसमें मैले कपड़े भर के लाए ले। अभी तक मैंने उसमें का बैग खोली ही नहीं। तुझे कैसा लगा गाँव में? मैं तो मजे करके आया। ये भाई सही बोलूँ ना, मैं छुट्टी पे था, प्रॉपर छुट्टी पे। मैं व्लॉग व्लॉग ज्यादा शूट नहीं किया, एकदम ऐसा बाराती वाला एंजॉयमेंट किया। मेरे अब्बा बताया कितने सालों बाद कोई ट्रिप की होगी। हमें कितने साल हो गए? 10 साल हो गए ना। नहीं रे रिया शेर, हाँ हाँ अपनी शादी मेरे साथ ही गए थे। मेरी शादी के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ अब्बा को जाना अनिवार्य था, इसके लिए हम लोग के साथ औरंगाबाद गए थे। 15 साल के बाद। हाँ देखी ना रे, मैं नहीं रे, मैं अब्बा को बिना परमिशन के नहीं दिखाती। और यहाँ ना बीबी के मकबरे पे भी अब्बा आए थे, अब्बा लेके आए थे। देख दिखा, ये देखो मैं ना बिना परमिशन अब्बा दिखा रही हूँ, सॉरी लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। ये मैंने नहीं पूछा अब्बा, इसको बोलो बोल ले। ये ना देखो ये मेरे अब्बा आए थे, मालूम है ठंडे का हाल खराब थे, इसलिए थोड़ा ना ऐसा दिख रहे हो। और बीबी के मकबरे से आए बाद ये पूरा धरा धुरा था उनका, ये पूरा पैर वैर सब पकड़ के बैठ गए, समझ गए, ये पूरा पैर पकड़ के बैठे, सीढ़ी ने किनारे उस पे चढ़ने के लिए। लेकिन अब्बा अच्छे लग रहे हैं, हम ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे ना तो थोड़ा फ्रेश होंगे, उनको बाहर निकलना चाहिए। हम लोग के साथ नहीं गए थे, हम लोग जाके एक दो घंटा मिल भी लिए सब्सक्राइबर से, पीछे से एकदम सडनली आए ना हम लोग सब के सब हैरान। ये देखो ये हमारी फैमिली फोटो देखो, वही मैं बोली वहाँ जाके भी बिजी हो गए। ये देखो उस्मा को देखो कैसे पकड़े गए, उस्मा मालिश करवा रही ना, तो ऐसा नहीं ऐसे हमें बाहर लेके घूमो, उनको थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, वो भी अच्छा लगेगा। बच्चों को तो अच्छा लगेगा ना बेटा, अभी ना तू जवान हो जाएगा ना तब जाना औरंगाबाद है ना शेरू। ए शेरू शेरू, अभी ये जवान हो जाएगा तब जाएंगे ना औरंगाबाद। अच्छा देखो ये है ना मेरी है ना पहले से एक आदत है कि मुझे कोई पर्स दिया ना उसमें 1 रुपया डाल के दो, वरना मेरे को पर्स नहीं चाहिए। तो लोग 2 रुपया डालने वाली थी, मैं भूल गई। मैं मेरा पहले 1 रुपया डाल गया। ये बहुत चलता है, देखो मालूम इसमें का ना मैंने हैंडबैग देखी, बताओ जरा नजदीक से। लेकिन वो हैंडबैग है ना 1100 से नीचे नहीं दे रहा था। नहीं सही में ये अच्छी चीज है, लकड़ी का बना हुआ इसके ऊपर, देखिए कितना अच्छे से। मैं ये तेरे लिए क्यों ली पता है? ये बच्चे के पास नहीं, मैंने यूज करी, बहुत कंफर्टेबल रहता है हाथ में भी पकड़े तो भी। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इतना अच्छा चलाना। और कितना साल बार हो गया ना तूने देखे, अभी भी तूने भी औरंगाबाद से लाया था क्या? नहीं इसने अजमेर से लाया था, चर्ची गेट से के गई तो मीरा। चलो अभी मैं तुम लोग के लिए चाय कॉफी कुछ बनाती हूँ, बैठो। चाय अच्छा ठीक, ऐसा लगा देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे सारे गिफ्ट अच्छे लगे। मेरे को वो रोम पर भी बहुत अच्छा लगा जो तुमने गिफ्ट सब्सक्राइबर ने प्रिया जी ने भेजे। ये ना, ये ना, हाँ मेरे से बात नहीं हो रही, देख मेरे अपनी खांसी कंट्रोल करके मैंने इतना बोल। ये कितना मेरे सारे गिफ्ट से अच्छा ये लगा। और ये जो बिस्तर आया ना, ये नहीं कितना प्यारा लगा। वही मैं बोली शहरी आंटी थैंक यू, प्रिया जी थैंक यू, और अम्मी थैंक यू कि तुमने मेरे को कहा। नहीं बाबा बाल का चिकित्सा और गोट क्या औरंगाबाद में हम लोग मीटअप में थे तो सब याद किया है। ये तो मैं भूल ही गई क्या मेरे को, इतने लोग थे वो याद करे ना माशाल्लाह। सब चले गए थे ना हम लोग पहली बार मीटअप में, सब ऐसा बोल रही पब्लिक। हम लोगों को नाजिया दी को देख के ना हिम्मत मिलती है, एक ऑपरेशन वाली औरत किचन में करती है काम करती है कसम से, बोले हम लोग ना झूठ नहीं बोल रहे, हम लोग रोते हैं कभी कभी नाजिया बाजी को देखते, बहुत हिम्मत है बोले उनमें। अभी भी मेरे को लोग बोल रहे हैं जो लोग मुझे सच में हमें प्यार करते ना वही बोलते हैं कि तू पहला बच्चा थोड़ी है तेरा जो तेरे को नहीं मालूम, तू क्या पहले बच्चे के टाइम पे भी उठ के खड़के करी थी क्या? तो उन लोग को ये नहीं मालूम, हाँ मैंने पहले बच्चे के टाइम पे भी खड़के करी थी, पेट अंदर गया फिर है ना, मैं पहले बच्चे के टाइम पे भी हिम्मत हारी थी क्या पहले बच्चे के टाइम पे? तो इससे ज्यादा तकलीफ थी मुझे माशाल्लाह से, अब अच्छा लग रहा है। तीन दिन की आई थी तो हॉस्पिटल से तकलीफ तो खड़ी होगी किचन के पास, तो वही
मैं बोल रही ना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर भी बहुत अच्छा रखा इस टाइम मुझे पानी बहुत माशाल्लाह शुक्र अदा करने का ना जो उठते बैठते बस खाली इस बार थोड़ा ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को ना मालिश नहीं हुई और मेरा गोले में तक गोला ना सटक हाँ आंटी वो ही मेरे को कल बोले बोले तेरा गोला ना सटक के आया है और ऊपर तो तू खास रही है और मैं देती हूँ भाई जी हाँ बेटा अरे कराटे ये देखो ये सो गया मेरे बच्चे के आंख पे मैंने गोदड़ी भी नहीं डाली रुको उसको गोदड़ी डालती तुम लोगों को कॉफी देती हूँ उसमें को खाना देती हूँ थैंक यू सो मच फिर से एक बार बोल रही गाइस जिसने भी ये मेरे लिए भेजे उनको तहे दिल से मोहब्बत प्यार और बहुत सारी दुआएं मेरे लिए मेरे तरफ से वैसे भी सबके लिए करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से लेकिन ये भी निकलता है ना दुआ कोई अपने लिए इतनी मेहनत करता है तो ऑब्वियसली अम्मी वो क्या भेज रहे वो मैटर नहीं करता वो चीज ढूंढने में कितना एफर्ट लगाते होंगे ये चीज तो देखो पैसों का मोल नहीं है ये वो जो सोचना कि क्या जरूरत है उसको ढूंढने में मेहनत लगना वो एफर्ट के लिए बहुत उनको मना करे ना शेरी को तो हमारे और बच्चों के बीच में नहीं आना शेरी अच्छा ऐसा क्या ये देखो ये ना खाली गद्दा नहीं था ये पूरी पोटली बनता है ये बच्चा उठ बैठ सकता है कुछ महीनों बाद पूरा समेट गया हाँ टोटली हाँ मस्त आराम से बैठे तो जा ले जा हाँ सही है पूरा खुल जाएगा मस्त है सच्ची में बहुत अच्छा गिफ्ट है बहुत ही ज्यादा प्यारा है अम्मी को तो मजा आ रहा है अम्मी तो खेल रहे तुम खेलो बाबा मेरा दूध बढ़ जाएगा यहाँ पे दूध बढ़ जाएगा ना तो काम बढ़ जाएगा देखो यहाँ पे कॉफी बनाने आई हो तो गाइज हम लोग ने बहुत सारी बात की है और मेरा बात करना तो कभी बंद हो नहीं सकता अम्मी को मिलने के बाद तो अम्मी ने लेकिन फिर भी मेरे से कुछ बात नहीं की अभी भी कुछ शेयर नहीं किया गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक तरफ करेंगे तू बच्चे की मालिश में बिजी है उज्मा की मालिश में बिजी है खुद की तबीयत में बिजी है काम में बिजी है मेरे को बैठ के दो मिनट बात करने ही नहीं मिला मैं बच्चे को खाना खिला उज्मा को खाना खिला रहे थे मैं बच्चे को दूध पिला रही थी इन लोगों को कॉफी बना के दी मैं अम्मी के साथ बैठ के बात ही नहीं कर पाई मैं सिर्फ रियाज से बात की थोड़ी बात इतनी बिजी हूँ ना कसम से आज के मैं नहीं बैठ पाऊंगी क्योंकि घर में आप लोग ना अनपैकिंग जो हुआ है उसके ही अंदर परेशान है हम लोग भी घर में झटपट खाली पीली ऐसी खिचड़ी बना के खाई ले जरा भी टाइम नहीं है अब जाना भी है मुझे मेरे घर का भी काम खुला है वहाँ पे भी जाना है वहाँ पे भी देखना है समझ गए इतना टाइम मेरे को थोड़ा कुछ शेयर कर देते हैं लेकिन तुमने यार शेयर कर दिया नहीं क्योंकि दो मिनट में अभी तू पकड़ी मेरे को जाते रहे क्या वाह वाह बोल के देखो भाग रहे अभी हम जा रहे सच में अल्लाह हाफिज लेट हो गया है हमको जाने में अब फिर कभी मिल के गप्पे हाकेंगे अभी मेरी मालिश भी बाकी है मैं मालिश कराऊंगी मैं नहीं कराने वाली थी लेकिन मम्मी बोले करवा ले ऐसा बीच में गैप मत कर अच्छा रियाज आना अल्लाह हाफिज़ तो बोल फोटो खिंचाएंगे ना अम्मी सब एक साथ आओ ना जरा फोटो खिंचाएंगे ना पहले अल्लाह हाफिज़ करेंगे फिर फोटो खिंचाएंगे हां बोल ए आना जो नींद आ रही है और एक कप कॉफी पिएगा दो घंटा तो अभी लोग को जाना है जरूरी काम से तूने चले तू बोलना जरा अपना टेंशन नहीं है तो लोग जा रहे हैं अपने घर पे अभी घर देखने वो लोग वहाँ पे भी नहीं गए बेचारे लोग 10-15 दिन से तो वहाँ पे भी जाना जरूरी है इसलिए ज्यादा टाइम तक के मैं रोक नहीं सकती उनको वरना मैं रोक लेती थी और वो रुकते भी थे लेकिन बहुत बिजी में वहाँ पे जाके पहले जागना है ना हमने घर का ऐसी सब काम धंधा छोड़ के औरंगाबाद भागे थे इसको भी छोड़ के भागे थे तो हमने बोले पहले इसकी तबीयत देखते फिर उसके बाद जाके घर का भी हालचाल देखते हैं वहाँ जाना है तो चलो मिलते हैं अल्लाह हाफिज बाय दुआओं में याद रखना नाजिया शेख इंडियन ब्लॉगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ठीक है चलो और थैंक यू सो मच फिर से बोलूंगी जिन्होंने इतने मोहब्बत और प्यार से हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स भिजवाए थैंक यू सो मच को भी थैंक यू बोल जो मुझे मकबरे में आके बाप रे बाप इतना मिस कर रहे थे तुझे और इतने ढेरों दुआएं दे रहे थे तेरे बारे में मेरा तो दिल से सबके लिए थैंक यू जो लोग मुझे नहीं मिल पाए जो मुझे कमेंट्स में रिलेट कर रहे हैं और मुझे सजेशन दे रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच सबको दिल से थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ बाय 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 हम भी बोलते ना तो फिर बीच में बोलेंगे ना तो वापस शुरू करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लॉग के साथ जैसे मैं टाटा बाय बाय थकान खत्म नहीं हुई इसके लिए थोड़ा लो फील कर रहा हूँ ठीक है अभी एक दो दिन जाएगा सेट करने के लिए चलो गाइस अल्लाह हाफिज़ बाय